जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। एंड अगर आप पहली बार YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मार्केट से रिलेटेड मिस ना हो जाए। एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रेगुलर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया से क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, और साथ ही जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में भी जानकारी मैं देते रहता हूँ। तो पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आज जिस पेनी स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका भाव है सिर्फ 14 रुपए। जी हाँ, 14 रुपए है। एंड पिछले दिनों में भी हमने उसके बारे में बात की थी एंड आज फिर से हम एक अपडेट लेने वाले हैं, और स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट। जी हाँ, ट्राइडेंट लिमिटेड काम करता है टेक्सटाइल और स्पिनिंग सेक्टर के अंदर। आज के दिन का अपडेट ले तो स्टॉक 14.44, ये BSE का भाव है, यहाँ पे क्लोज हुआ है 7 पैसे की गिरावट के साथ। कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन 7,350 करोड़ का एंड शेयर की जो PE है वो है तकरीबन 24 के आसपास। शेयर की फेस वैल्यू है 1। जी हाँ, शेयर की फेस वैल्यू है 1 एंड कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो है 1,950 करोड़ रुपए का। जी हाँ, तकरीबन 1,950 रुपए करोड़ का कर्जा ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर है। शेयर होल्डिंग्स को देखें तो पिक्चर है कुछ ऐसी। प्रमोटर्स के पास है भारी भरकम 73% का हिस्सा। पब्लिक यानी कि रिटेल निवेशकों के पास तकरीबन 24% का हिस्सा। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक के पास 1.61 और DIIs के पास 0.93% का हिस्सा। एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि हम प्रमोटर्स के पास बड़ा 73% का हिस्सा है, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है ये, प्रमोटर ने पिछले 5 क्वार्टर्स में एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट्स है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पोजीशन है तो बने रहिए, एंड अगर नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लेवल्स तो हम चेक करने ही वाले हैं। तो ये है दोस्तों टेक्निकल पोजीशन ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में चार्ट्स के ऊपर। एंड हमेशा की तरह कुछ एप्स और वेबसाइट्स के नाम जाइए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, मार्केट कैप क्या होता है, स्टॉक का डेप्थ, कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, PE क्या है, फेस वैल्यू क्या है, स्प्लिट क्यों हुआ था, बोनस शेयर कब दिए थे, जाइए समझिए, फिर अलग मजा आएगा आपको भी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और चार्ट्स हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं वो है tradingview.com। ओके, एंड पेनी स्टॉक था सबसे पहले, एंड 2012 में इसका भाव क्या था, वो था सिर्फ 1 रुपए। जी हाँ, ये होते हैं पेनी स्टॉक, जो टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स होते हैं, आपके पेशेंस टेस्ट करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो ग्रो जरूर करते हैं। तो बस खरीदारी अच्छे पेनी स्टॉक्स पे कीजिए एंड उनको होल्ड कीजिए, एंड मेक श्योर कि अमाउंट छोटा सा होना चाहिए। 1 रुपए का पेनी स्टॉक आज तकरीबन 10 साल बाद चलते चलते 14 रुपए का हो गया। जी हाँ, 14 रुपए का हो गया। अभी हम चार्ट्स को डेली बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे और हमें देखने मिल रहा है ये। जी हाँ, स्टॉक का ब्रेकआउट तो हो गया था एंड स्टॉक की पोजिशन है फिलहाल कुछ ऐसी। जब लॉकडाउन लगा मार्च महीने में स्टॉक की प्राइस क्या थी, तो स्टॉक की प्राइस थी ये 3 रुपए। जी हाँ, तभी भी बहुत ही बढ़िया सा मौका था, जैसे हम दूसरे क्वालिटी लार्ज कैप्स को खरीदने का मौका था, वैसे यहाँ पेनी स्टॉक्स में भी एक अलग ही खेल चल रहा था। वहां पर भी 3 रुपए के भाव में स्टॉक मिल रहा था एंड आज स्टॉक का भाव है 14 रुपए। जी हाँ, 14 रुपए के आसपास चल रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन, आज के समय में स्टॉक की पोजिशन क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखने मिल रहा है कि स्टॉक ने पिछले दिनों में एक सपोर्ट बना लिया है, यहाँ पे एक बेस बना लिया है 12.7, 12.7 रुपए का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना लिया है, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं इस पूरे साल, ये 2021 में जनवरी से अब तक इस लेवल के नीचे स्टॉक गया नहीं है, और अगर गया भी था तो वहां से ऊपर ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं एक चैनल में काम कर रहा था स्टॉक एंड वहां पर उसका ब्रेकआउट हो गया। इस चैनल को देखिए आप, ठीक है, इसी चैनल को बस देखिए एंड कैसे इसमें से ब्रेकआउट हो गया स्टॉक। ओके, और वो दिन था 28 जनवरी, ऊपर की तरफ निकल गया एंड आ गया यहाँ पे। एंड पिछले दिनों में स्टॉक ने हाई लगाए थे, वो थे तकरीबन 16.95, 16.95 का हाई लगाया था स्टॉक ने। सो अगर तेजी बनी रहती है एंड इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब बस यही होता है कि जस्ट इमेजिन आप जैसे बाइक लेके निकले हो, अगर एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी आपकी स्लो हो गई, ठीक है, एंड स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद क्या होगा, आप उसी धीमी स्पीड पे थोड़ी गाड़ी चलाओगे,
स्पीड बढ़ेगी ना आपकी, तो बस ब्रेकआउट का भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, अगर यहाँ से निकल गया ना तो और ऊपर के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। एंड जैसा कि हमेशा मैंने कहा है कि पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% होना चाहिए। जी हाँ, 1% अमाउंट ही होना चाहिए। अगर आप मार्केट में 1,00,000 रुपए इन्वेस्टेड हो तो सिर्फ 1,000 रुपए आपके पेनी स्टॉक्स पे जाने चाहिए। एंड वो 1,000 रुपए में समझो कि आपने आपने कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स को मार्केट में सिलेक्ट कर दिया है, जैसे समझो 5 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली है, तो 200 रुपए ईच स्टॉक पे जाना चाहिए। एंड पेनी स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, सर्किट टू सर्किट कभी कभी ट्रेड करते हैं, कभी कभी ऊपर की सर्किट लगना शुरू हो जाती है, कभी कभी नीचे की सर्किट लगना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अच्छे से लाइक यू नो नींद आ पाए, इसलिए अमाउंट छोटा होना चाहिए ताकि अगर आगे जाके कंपनी डीलिस्ट हो गई या समझो फेस वैल्यू मतलब शेयर की वैल्यू जीरो हो गई तो आपको असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। एंड अगर आपके आसपास के लोग जो मार्केट में इन्वेस्टेड है या इंटरेस्टेड है या फिर बिगिनर्स हैं, एंड अगर आपको लगता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू उनको काम आ सकती है, तो प्लीज वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बेसिकली कैसी चीज है ना, एक अच्छी चीज है वो आप किसी के साथ शेयर करके उनको आप एक मौका दे रहे हो अपने आप को यू नो वेल्दी बनाने का या फिर फाइनेंशियली किसी तरह से थोड़ा सा फ्रीडम दिलाने का। सो जितना आप शेयर करेंगे उतना आप ज्यादा किसी और के लिए अच्छा करेंगे। सो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं या मार्केट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उस टॉपिक का नाम या शेयर का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।